शंकर को मैंने पूजा। भाई जो अल्लाह के नाम का लखन है तब हमारी गाइज वेलकम टू न्यू व्लॉग। आप बड़े होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और गाइज आज है आपका डे 8। आज होगा सीताहरण का दृश्य दिखाया जाएगा पूरा कि रावण सीताहरण करेगा, तो प्रॉपर चीज़ दिखाई जाएगी। अब चलते ग्राउंड में फटाफट, तैयार हो मैं हो चुका हूँ रेडी। आज हुडी नहीं पहनी, आज बस फॉर्म में टी शर्ट डाली है और जैकेट डाली है, बस खाली अपनी वैसाइटी जैकेट डाली है, बस चलते हैं ग्राउंड पे। आपको और वीडियो को लाइक कमेंट कर रहे हो ना, कमेंट आप कम कर रहे हो, लाइक तो सही कर रहे हो लेकिन कमेंट भी करो, बताओ आपको कैसी लग रही है वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, कैसी लगी। और शेयर करो सब अपने दोस्तों सबको शेयर करो, ठीक है। कि पूरी प्ले लिस्ट बना दी मैंने बजरंग रामलीला 2023 की भी आपको देखनी है तो देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके, और 23 भी है तो दोनों देख सकते हो प्ले लिस्ट। अब प्रॉपर बनने वाली वीडियो, दो दिन बाद आपका पर दे देंगे, मतलब परसों ही आपका दशहरा है। बस चलते ग्राउंड पे, आपको मिलते हैं ग्राउंड पहुंच के। आओगे ना यहाँ पे बाजरे रामले में आओगे, सामने नेशनल सेवा केंद्र दिख रहा होगा आपको, गिरा सामने सेवा केंद्र है, सब चाय वाय का सब कुछ सेवा के लिए लगाया गया है, कुछ देखा आपको दिख रहा होगा। अब सेवा के सब कुछ आपको बिल्कुल स्टेज के सामने ही, आपको स्टेज होगा सामने, स्टेज के सामने बिल्कुल चाय की सेवा के लिए सारी चीज़ लगा रखी है मेरे भैया सामने, ये मेन है और कुछ भैया वो सारे ऐसा। परम शिव भक्त महाज्ञानी लेंगे यदि छोटे भी
अरे गमनाक न हो, मैं उसकी भी अरे नाक नहीं रहने दूंगा। भेजा न सुनो के राह करूं मिर्चों का नाश काटने में होती है नहीं नाक ऊंची, अब लाबे हाथ उठाने में होती है नहीं धाक। लंकेश्वर देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर व्यग्रता और उदासी है, कारण क्या है? तुम हर कला में निपुण हो, मैं चाहता हूं तुम माया मृग बनो। ए मामा तू माया मृग बन, ए मामा तू माया मृग बन, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हरूंगा। चिंता ना करो, रक्षक है परमेश्वर मेरे।
राजा, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गरो को बात उनकी, मेरी इस धर्म नाम के अब हे सूर्य देव मल्ला आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलाहना दे तो कह देना मेरे दोस्त। आज्ञा के भीतर डाल रहा तुम रेखा के भीतर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पैर कुटी में आएगा है यार उसे ही लक्ष्मण की वो वहीं फंस हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तलवारों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। रेखा के अंदर बंधन के अंदर भिक्षा नहीं लेता है यह साधु, देना है तो उसके बाहर आकर के दो। मैं इस रेखा का अपमान नहीं कर सकती, यह रेखा मेरे देवर के द्वारा खींची गई रेखा है, मैं इसके बाहर नहीं आ सकती। ठीक है कोई बात नहीं, तो यह साधु ऐसे ही तुम्हारे द्वार से जा रहा है। मैं ग्रह स्थान का पालन अवश्य करूंगी, देवर की आन रहे न रहे पर रखूंगी घर गृहस्थी का, मैं रेखा के बाहर आऊंगी। ठीक है। इस समय तो लंकाधिपति रावण के कब्जे में आ गई है, तूने रेखा का उल्लंघन कर मुझे यह अवसर प्रदान कर दिया। देखता हूं तेरा स्वामी तुझे किस तरह बचाता है। ठीक है महाराज।
अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों यह सौगंध लेते हैं कि आज से हम सच्चे मित्र होंगे, एक दूसरे के दुख और सुख के बराबर के सहभागी होंगे। सबसे 14 मासों के लिए बर्दाश्त उन्हीं नियमों का पालन करने के लिए मैं पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ही का मनोज में आया हुआ था। यहां से एक राक्षस मां को लिए, एक नारी को लिए जा रहा था और उन्होंने कुछ आभूषण यहां फेंके हैं। शरद निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो सेवक बिच्छुओं का हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, पर नाथ सगुन यह अच्छा है, चलते हैं तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। सुग्रीव में इतनी शक्ति कहां है जो आपको ललकारे? कायर नारी, लड़ने से मैं ना डरता हूँ, जब पग को आगे धरता हूँ तो पीछे कभी ना हटता हूँ। मेरी सांसों से खड़ा हुआ और मैं चुपचाप पड़ते हुए, यह मेरी शान के है खिलाफ जो नाम लिखाऊ ना मनो। यदि वही स्वर अवतारी है तो सफल सभी अनुबल होगी, रणभूमि सेज होगी मेरी और महाभोक्ष तुम्हारे होगी। मारा है।
अब तुम्हें समाप्त कर रहा है। हे प्रभु, माना माना कि मैंने गलती की है, लेकिन लेकिन यही बात बताइए, क्या यही कारण है या कौन सी ऐसी बात है जिसने सीता को ले भागा है? मैंने उस तुच्छ अनाड़ी रावण को 6 मास आंख में भागा। हे राम, अरे सुग्रीव में इतनी शक्ति कहां जो रावण का संहार करे? यदि आप मुझसे पहले मिलते तो मित्रता की रस में मैं पाप करता, पहले मां जनक नंदिनी को रावण से मुक्त करा करके आपके श्री चरणों में ला करके खड़ा कर देता। मंगलम करद्ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि जय। वर्षा ऋतु समाप्त होने को आई, परम अभी तक मित्र सुग्रीव ने सीता खोज का कार्य प्रारंभ नहीं करवाया। लगता है कि वो राजपाट के मोह में फंस चुके हैं। तुम जाओ किष्किंधा जाके उनसे कहो कि अब शीघ्र सीता कार्य का खोज प्रारंभ करवाए। सुग्रीव जी, राजमंग में आप इस कदर भूल गए कि भैया राम को आपने वचन दिया था कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही माता की खोज में चलेंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। मैं अभी ही अपनी सेना के साथ जाता हूं और सीता माता की खोज कर पे निकलता हूं। और मां जनक नंदिनी का पता लगाएंगे। हे भक्तमान, तुम जा रहे हो पर अगर सीता मिल गई तो तुम्हें भला कैसे पहचानेंगी, इसलिए ये मेरी मुद्रिका ले जाओ। यदि सीता मिल जाए तो इन्हें यह दिखाना, इससे वो समझ जाएंगी कि तुम मेरे ही भक्त हो। और अगर यह मिल जाए तो उन्हें कहना कि मैं रावण के चंगुल से उन्हें अति शीघ्र मुक्त करवाऊंगा। जय श्री राम। तुम्हारी वीरता पे मुझे कोई संदेह नहीं है। तुम कौन हो जो ऐसा अमृत वचन सुनाए हो? भगवान, पहले आप बताएं इस लंका नगरी में प्रभु का गुणगान। मैं रावण का छोटा भाई विभीषण, इस कुटिया में प्रभु श्री राम का भगवत भजन करता हूँ और उन्हीं का सेवा करता हूँ। किंतु आप कौन हैं
इस लंका नगरी में इस तरह के समूह में भला आप कहां से आए थे? कौन है भगवान? जैसे आप राक्षस नगरी में प्रभु का गुणगान करते हैं, ऐसे ही प्रभु हमारे जनाधार है। प्रभु की कृपा होगी तो कौन कहां नहीं जा सकता है। लेकिन भगवान, मैं आया हूं प्रभु का कार्य करने के लिए, क्योंकि मेरे प्रभु राम उनकी धारा को हरण करके यहां पर स्कंदल लंका नगरी में लाया है।